अब देखो यार, वीडियो शुरू होने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आखिर में सरप्राइज अटैक होता क्या है एंड सरप्राइज अटैक का मतलब क्या होता है, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। तो देखो यार, सरप्राइज अटैक का मतलब यही होता है ना कि ऐसे हम पोजिशन पर खड़े हो जाते हैं एंड उस साइड से एनिमी आते हैं, उनको फटाफट क्लिक करके उनको बिल्कुल सरप्राइज करते हैं एंड वही होता है सरप्राइज अटैक। ना कि वो होता है कि किसी प्लेस के ऊपर चले जाएँ या किसी छत के ऊपर चले जाएँ एंड वहाँ पर हम बैठ कर हमें क्लिक करें एंड उसे हम सरप्राइज अटैक नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं हिडन प्लेस या सीक्रेट प्लेस या सीक्रेट लोकेशन बोल सकते हैं या सीक्रेट ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बट उसे सरप्राइज अटैक बिल्कुल कहीं से बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सरप्राइज अटैक हम उसे हम बोलते हैं ऐसे हम एंगल पर खड़े हो जाते हैं या ऐसे पोजीशन ले लेते हैं कि उस साइड से एनिमी आते हैं एंड उनको फटाक से सरप्राइज अटैक करके उनके ऊपर अटैक करके उनको बिल्कुल सरप्राइज करते हैं एंड वो बंदे बहुत ईजी नॉक हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, तो उसको हम सरप्राइज अटैक करते हैं। तो खैर, इस वीडियो के अंदर ना ऐसे टॉप 7 बेस्ट सरप्राइज अटैक प्लेस या आपको ऐसे तो लोकेशन बताने वाला हूं कि उन प्लेस पे या लोकेशन पे खड़े होकर एनिमी आपके सामने मुंह के ही सामने आएंगे एंड उन एनिमी को बहुत इजी आप किल करके आप बहुत इजीली किल कर दोगे। तो चलिए यार, वीडियो शुरू करते हैं नेक्स्ट देरी। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ प्लेस होने वाला क्लॉक टावर पे एंड क्लॉक टावर पे देखो यार मैं कैसे यूज करता हूं सरप्राइज अटैक एंड यहां पे खड़े होकर ना आप एनिमी को बहुत इजीली किल कर दोगे एंड खड़े ये नहीं होना है ना, देखो किसी भी सरप्राइज अटैक में ना आपको 2 से 3 सेकंड खड़े रहना, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खड़े रहना एंड आप यहां पे देखिए तो मेरे सामने बहुत इजीली बंदे दिख जाते हैं एंड इन बंदों को फटाफट मैं नॉक करता हूं एंड देखो ये बंदा जो ग्लोबल का एक पैक करता है अपना टीममेट को बचाने के लिए, तो फटाफट मैं इस एनिमी को बहुत इजीली डाउन कर देता हूं एंड यहां पे देखते देखते मैं 3 बंदों को बहुत इजीली डाउन कर चुका था एंड यहां पे मैंने बहुत इजी बुइया भी कर लिया। सो फिर नेक्स्ट प्लेस पड़ता है सिप्याट पे एंड सॉरी केप टाउन पे एंड गाइस देखो आप यहां पे जैसे मैं जा रहा हूं ना, आप लोग सिंपल से ऐसे ही जाना एंड गाइस आप लोग ऐसे स्ट्रिक का यूज करके ना आप सरप्राइज अटैक बहुत इजीली एनिमी को दे दोगे एंड गाइस आपको ये पता होगा कि एवरी मैच में एवरी राउंड के अंदर इस प्लेस के ऊपर ना इस रूप के ऊपर कोई बंदा ही होता ही होता है एंड गाइस देखो उनके ऊपर ना सही तरीके से ग्रेनेड को थ्रो करके उनको डैमेज कर दोगे एंड वो बंदे ना मेडिकेट यूज करने लगेंगे एंड जब तक तो वो मेडिकेट यूज करेंगे ना तो फटाफट इस रूप के अंदर सब आकर उनके ऊपर रश कर सकते हो एंड उनको बहुत इजीली सरप्राइज अटैक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखे सकते हो ये बंदा ग्लोबल को तो यूज कर लेता है, ग्लोबल से कवर तो ले लेता है बट ये बंदा ना मेडिकेट का यूज करने लगा एंड गाइस देखो जैसे ग्लोबल को यूज करके मेडिकेट अदर कर रहा था ना तो फटाक से इसकी यहाँ पर रस कर दिया एंड बहुत इजी उसको मैंने डाउन भी कर दिया। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट लोकेशन पे एंड गाइस ये लोकेशन होने वाला है ना हमारे हैंगर प्लेस पे एंड गाइस आपको देखो कभी मैच स्टार्ट होता है ना तो ये पोजीशन पे अगर ग्रेनेड को थ्रो करोगे तो आप यहाँ पे देख रहे ना कि मैं यहाँ पे एक एक ग्रेनेड से 3-3 बंदों को डैमेज दूंगा एंड एक बंदा नॉक हो चुका है एंड आप लोग यहाँ पे देखिए तो मैं 3 बंदों को बहुत इजिली नॉक कर दिया एंड गाइस आप लोग भी स्ट्रीक अप्लाई करके ना बहुत इजिली नॉक निकाल सकते हो एंड गाइस आप लोगों ने बहुत इजी विक्ट्री भी कर लिया। सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट लोकेशन पे एंड गाइस ये लोकेशन होने वाला है सिप्याट पे एंड गाइस यहां पे मैंने बहुत आपने देखा होगा कि एवरी टाइम ना यहां पे ज्यादा ज्यादा मैच इसी वाले प्लेस पे आके खत्म हो जाता है एंड यहीं से शुरुआत भी होता है एंड आप इस लोकेशन पे आकर ना एनिमी के ऊपर बहुत सरप्राइज अटैक उनको सीक्रेटली रश करके उनको सरप्राइज अटैक दे सकते हो एंड बहुत इजी वो बंदे डाउन हो जाएंगे क्योंकि वो बंदे का ध्यान होता है बिल्कुल सामने एंड हम लोग आकर बिल्कुल सरप्राइज अटैक उनको दे देंगे एंड वो बंदे बहुत इजी नॉक भी हो जाएंगे एंड आप लोग यहाँ पे देखे तो बहुत इजी यहाँ पे एक किल मैंने कर दिया लास्ट में जो कि ये बंदा भाई पता नहीं किधर था एंड बहुत इजी ने किल करके विक्ट्री कर लिया। सो फ्रेंड नेक्स्ट प्लेस हमारा होने वाला हैंगर प्लेस एंड गाइस देखो अगर आप कभी भी ये वाले पोजीशन पे खड़े हो जाते हो तो देखो ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल बंदा सामने से आएगा, अगर बंदा सामने से नहीं आएगा ना तो देखो कंटेनर के पीछे से भी आएगा ना तो उन बंदों को बहुत ज्यादा डैमेज देखो उनको नॉक करा सकते हो। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देखे तो बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था एंड जो दोनों बंदों को बहुत ज्यादा मैंने डैमेज दिया था ना तो जो मेरे जो टीममेट ना वो थोड़ा बहुत उनको डैमेज दिए ना तो ये बंदे बहुत इजीली नॉक हो गए एंड नॉक होने की वजह से ये बंदे बहुत इजी यहाँ पे 2 बंदे किल हो जाते हैं एंड यहीं पे देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो मेरे एक एनिमी था वो बहुत ज्यादा तेज खेल रहा था एंड उसको तेज खेलने के लिए ना मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो एक बंदा बिल्कुल मेरे सामने से आ रहा था मैं ग्लोबल को कवर लेता अगर वही बंदा बिल्कुल मेरे सामने से आया ना तो फटाफट इसको डैमेज देखो यहाँ पे डाउन कर दिया एंड फिर मैं अपने वुगोंग का यूज कर लेता एंड मेडकेट का यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ये सोच रहा था ना कि मेरा एक टीममेट बंदा अलाइव है तो बहुत अच्छे से खेलेगा लेकिन वो बंदा डाउन हो गया एंड ये बंदा अगर मेरे ऊपर रश करता है ना तो बहुत इजी इसको डैमेज देकर उनको किल कर दूं। सो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट लोकेशन पे। सो फ्रेंड नेक्स्ट लोकेशन होने वाला है क्लॉक टावर एंड गाइस देखो ये ट्रिक ना
देखो ऐसे टाइम पर आप यूज कर सकते हो जो कि आप एनमी से ना कभी फास्ट रन कर सकते हो। एंड गाइस देखो आपको ये वाला पोजीशन में ना सबसे पहले जगह खड़े होना पड़ेगा तब ये ट्रिक वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो एवरी मैच में ना ये वाला प्लेस में ना भाई बंदा आता ही आता है, ये कन्फर्म 100% कन्फर्म है। एंड गाइस लोग इसी बात का फायदा उठाकर ना बहुत ईजी एनमी के ऊपर रश कर सकते हो, उनको सरप्राइज अटैक दे सकते हो एंड उनको बहुत ईजी नॉक कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे हम लोग क्वार्टर किल भी निकालते हैं। एंड गाइस आप लोग इसी बात का फायदा उठा सकते हो। सो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट लोकेशन होने वाला क्लॉक टावर। एंड आप लोग मुझसे पहले बोलने से पहले देख ही लियो तो देखिए यार क्या ही बोलना। एंड गाइस देखो यार वीडियो को अभी तो लाइक नहीं करी हो तो क्या करो, लाइक जो से करना। एंड गाइस देखो कभी क्लॉक टावर पे आते हो तो ये वाला पोजीशन पे आकर पहले ही खड़े हो जाना, क्योंकि यहाँ पे ना जो सबसे ज्यादा बंदे रश करते हैं या यहीं से ना हमें बहुत सारे एनिमी का लोकेशन पता चल जाता है एंड उनके ऊपर ना बहुत ज्यादा डैमेज देखो उनको सरप्राइज अटैक किल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सो मुझे पता चल चुका था कि इस वाले जो हाउस के अंदर ना एनिमी छुपा हुआ है, लेकिन ये एनिमी ना बहुत इजी यहाँ पे जाते ही डाउन हो गया। एंड एक इसी हाउस के अंदर से ना एक एनिमी और भी आया था, बहुत इजी से मैं किल कर देता हूँ। एंड गाइस ये एनिमी नहीं था, ये थी आई मीन की लड़की, इसे बहुत इजी हमने डैमेज कर दिया एंड बहुत इजी हमने यहाँ पे नॉक कर दिया। लेकिन तभी क्या होता है ना यहाँ पे मेडकिट का यूज़ करता हूँ तो मुझे एक बूस्ट दिख जाता है एंड मुझे पता चल जाता है कि ये एनिमी का बूस्ट है, तो बहुत इजी इसको बनाने रस कर तो बहुत इजी मैं यहाँ पे डबल क्लस विक्ट्री कर ही लेता हूँ। एंड गाइस मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कम व्यू आने वाला है, क्योंकि देखो यार मैं कभी भी अगर सीक्रेट प्लेस के अलावा ना कोई अदर वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें कम व्यू आते हैं। तो गाइस देखो यार आप लोग अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड इस वीडियो को लाइक जैसे कर देना। एंड गाइस देखो इस वीडियो के अंदर ना अगर 100 कमेंट आ जाते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस बाकी रह गए हैं कवर करने के लिए, तो उन सारे प्लेसों को मैं कवर कर लूँगा सेकेंड पार्ट में। एंड गाइस और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जैसे कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जैसे कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।